हम ये नहीं कहते कि आज से पहले आपने गुरु के प्रति समर्पण और दीवानगी की ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी ना देखी होगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज के इस दौर में शायद ही देखी होगी जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए गुरु के प्रति पवित्र दीवानगी की ये कहानी। एक दीवानगी जो ले आई सात समंदर पार, एक यात्रा दूसरे जन्म देने वाले के सम्मान के लिए, एक जुनून ख्वाबों को असल धरातल पर उतार लाने के लिए, आज के इस दौर में शायद ही आपने गुरु के प्रति ऐसी दीवानगी देखी होगी। जिन्हें आप देख रहे हैं ये एक ऐसे शिष्य हैं जो अपने गुरु के प्रेम सम्मान और समर्पण के चलते सात समंदर पार चलकर अमेरिका से भारत पहुंच गए हैं। 75 साल के डेनिस टीलवेल अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहते हैं, लेकिन अब कैलिफोर्निया के लेक काउंटी शहर से चलकर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और अब खैरागढ़ में रहकर स्कल्पचर आर्ट सीख रहे हैं। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में स्कल्पचर आर्ट की शिक्षा ले रहे, वो भी अपने अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु आदि दा के लिए। डेनिस को उनके गुरु आदि दा से शिक्षा मिली है और अब डेनिस टीलवेल अपने गुरु का स्कल्पचर यानी एक जीवन सी लगने वाली प्रतिमा बनाना चाहते हैं। All of us are blessed with our first gurus, our parents. Most all of us are blessed again with our teachers in our schools, and many of us are blessed with our spiritual teachers. We thank all our teachers for their service to us. Happy Teachers Day. Jai Jawahar. स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित आदि दा का 2008 में निधन हो गया था, मगर उनके अनुयायी और आश्रम अब भी योग और अध्यात्म पर दुनिया भर में प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर डेनिस ने अपनी जिंदगी भी अपने गुरु के नाम कर दी है। डेनिस अपने गुरु आदि दा की प्रतिमा बनाने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। करीब 8 महीने पहले अमेरिका में ही रहने वाले उनके एक दोस्त ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय के बारे में बताया, तभी से अपने गुरु की प्रतिमा बनाने का सपना देखा। सपने को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए निकल पड़े, खैरागढ़ विश्वविद्यालय पहुंच गए और एडमिशन लेकर स्कल्पचर आर्ट सीखने लगे। डेनिस को हिंदुस्तानी मंदिरों की वास्तुकला बेहद लुभाती है। भारत की संस्कृति से डेनिस इतने प्रभावित हैं कि बचे हुए समय में से लोगों से मिलने निकल पड़ते हैं और लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं करते हैं और चाय बिस्किट का भी लुत्फ़ उठाते हैं। भारतीय भोजन भी इन्हें बहुत पसंद है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है, जहां पर छात्र छात्राओं की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है और अब इसी में डेनिस के आर्ट वर्क को भी प्रदर्शित किया गया है। डेनिस टीलवेल का दृढ़ विश्वास है कि एक दिन वो अपने गुरु की प्रतिमा बना लेंगे और उनकी आराधना करेंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज 18। और शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर के राजभवन